तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के में देखा था, जो हमारा वो विंसेंट होता है वहाँ पे फ्लड ही करा होता है एला के साथ, मतलब वो फ्रिया के साथ की, तभी वहाँ पे जो है हमारा वो आ जाता है टोनी भाई और कहता है चलो बस बहुत हुआ, मजाक वगैरह बंद हुआ, अभी यहाँ पे जो है सीरियस बात करते हैं। और मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी है वो थोड़ी बहुत 50% तक हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है पार्टी को, बट यहाँ पे तक कंटेन जाऊन अभी तक हमने आपको शो नहीं किया। सिन कहता है टेंशन क्यों ले रहे हो यार, मैंने तुमसे कहा ना वो उसकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी अगर वो इतनी जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे वो कहता है कि उसको कुछ काम होगा तो वो यहाँ पे देख रहा होगा, तो कोई बात नहीं वो आ जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं जो क्विंटन जा होता है अपनी वाइफ और डॉटर के साथ जल रहा होता है, मतलब वो जो है उसके होटल में आ रहा होता है कि तभी पीछे से एक बंदा होता है जो कि मैसेज करते हुए कह रहा होता है प्रेसिडेंट जी को कि दो जाओ फैमिली है वो आ चुकी है और उसने आपको आपने आपका शो किया है। वो तीनों जैसे अंदर आते हैं तो सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पार्टी वार्टी करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। यहाँ पे दिखाते वो दोनों ही कहते हैं कि देखा तुमने डेविड वो यहाँ पे आ चुके हैं ना, कि टीचर कहते हैं देखा तुमने वो आ चुके हैं, वो कहता है यही टाइम है। और यहाँ पे विंसेंट को दिखाते हैं जो कि उसी होटल के अंदर एक रूम में होता है, विंसेंट जो होता है फोन में देखता है और कहता है जाओ फैमिली ने अपने आप को अपेयर कर लिया और वो यहाँ पे आ चुके हैं। विंसेंट कहता है चलो चलते हैं और देखते हैं उनकी बात क्या चल रही है। टोनी कहता है चलो देखते हैं लिटिल गर्ल, क्या तुम तैयार हो यहाँ पे उन सभी को चौंकाने के लिए, उन मॉन्स्टर्स को चौंकाने के लिए जो है ना होती है, कहती है ये वो उन बुरे लोगों को मदद चुकाएंगे, बूम बूम, और वो हाथों से ऐसे करके बंदूक बना लेती है और बैंग बैंग कर रही होती है। वो फ्रेया जो होती है वो कहती है कि है ना अभी भी बहुत ज़्यादा छोटी है, कि ये ठीक है कि ऐसी चीज़ें वो देखे कि यहाँ पे ये इतनी ज़्यादा मतलब फाइट हो रही है। जो विंसेंट होता है वो कहता है कि टेंशन मतलब हमारी जो लिटिल डॉटर है वो काफ़ी ज़्यादा समझदार है और वो जीनियस है, और क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो भी हमारे फैमिली बिजनेस को देखेगी और संभालेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो वो देखेगी। तो वैसे उसका ये सब जानना और उसको ये सब चीज़ों के बारे में जानना वो भी अभी से वो ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। फ्रेया कहती है अच्छा ठीक है जैसा तुम कहते हो। वो दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं क्विंटन जो मजे से बातें कर रहा होता है कि अब इससे नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है, यहाँ पे क्या होने वाला है आगे उसके साथ। क्विंटन जो यहाँ पे एक बंदे दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा होता है, दूसरा बंदा उसे कहता है मिस्टर जाओ यार तुम यहाँ पे आ चुके हो, स्टीवर्ट ने यहाँ पे आपको बुला लिया, लगता है कि आप जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जी फैमिली के, मतलब जी ग्रुप के जो यहाँ पे आपको स्टीवर्ट ने बुला लिया। दूसरा बंदा कहता है कि जाओ फैमिली के जो लास्ट शेयर थे वो यहाँ पे खरीद लिए थे क्विंटन जाओ ने और जी फैमिली को संभाल लिया है, ये बहुत अच्छी बात है, वो भी खुश हो रहा होता है। और यहाँ पे क्विंटन जाओ कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे ये जी ग्रुप को नहीं देखना चाहता था, मैं तो यहाँ पर उनकी हेल्प करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा मतलब उनका साथी हूँ, दोस्तों और जी ग्रुप का हेल्प करना ये तो मेरा काम ही है और यही वजह है कि मैं यहाँ पार्टी में आया हूँ। और जब से विंसेंट और विंसेंट मर चुका है और साथ ही जो कार क्रैश में मैडम जी की डेथ हो गई, मतलब जो मैडम जी है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और सिक हो गई, कोमा में चली गई, जब से मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ यहाँ पे जी ग्रुप को संभाल रहा हूँ, जबकि वही बंदा जो कि मुझ वाला होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे बंदा बात क्या कर रहा है, जबकि ये कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, जबकि इसने खुद के ओल्ड बॉस यानी जो जी ग्रुप का मतलब जो विंसेंट के फादर थे उनके साथ यहाँ पे धोखा मतलब धोखा किया, तो यहाँ पे ये कैसे यहाँ पे बोल सकता है कि इतना ज़्यादा लॉयल है। क्विंटन जाओ उन्हें सोच रहा होता है ये मुझे ह्यूमिलेट करने की कोशिश करें, यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से हूँ बट जॉनसन अभी तक यहाँ पे नहीं आया, आखिर चल क्या रहा है, कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते हैं कि जो मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना जो चाल है वो चल दिया, यहीं पे एक ओल्ड लेडी होती है जो कि सोच रही कह रही होती है कि जो स्टीवर्ड है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे और भले बंदे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की, और वहाँ पे वो लेडी जैसी तारीफ करती है और यहाँ पे वो बंदे जो कि वहाँ पे सुन रहे होते हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर यहाँ पे ये लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और फिर दिखाते हैं क्विंटन जाओ के पास एक बंदा आता है कि मिस्टर जाओ मैं आपको एक बंदे से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, मैं वो जो मेरे बॉस हैं मिस्टर स्टीवर्ड, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। वो सभी लोग देखने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे आने लगते हैं लोग, वो लोग कहते हैं क्या गॉर्जियस है, वाओ कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो मिस जाओ से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, आखिर ये कौन है, मैं तो इसे वो रिवर सिटी में कभी नहीं देखा, ये इतनी खूबसूरत लड़की ले रिवर सिटी में। वो मोटा लड़का कह रहा होता है कि ये लड़की ऊपर से उतरते हुए क्यों आ रही है, क्या इसका मतलब ये वो स्टीवर्ड है। दूसरा कहता है मुझे लगता है कि हमको कोई गलत खबर मिली है, एक कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये लड़की क्या है, ये कोई अच्छी है या फिर मतलब एक डेविल है या फिर एक एंजल है, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। नैन्सी जाओ वो जब उसको देखती है उसके तोते उड़ जाते हैं, वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम मरी नहीं अभी तक। एक बंदा कहता है कि ये मिर्जाओ का इससे क्या मतलब था, क्या ये बंदी इसको जानती है, क्या ये गॉर्जियस ये जो लड़की उतरते हुए आ रही है क्या मिर्जाओ उसको जानती है।
जो नैन्सी सा होती है मन में सोचती है शिट अब मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे, क्या पता ये उसका प्लान हो। रिया जो होती है नीचे उतरते ही कहती है मुझे माफ करना वो आपको डिसअपॉइंट करने के लिए। सभी लोग सोच रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। जो फ्रेया होती है वो कहती है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं आज सबको दिखाने वाली हूँ कि एक जेंटलमैन के अंदर कोई कमीना इंसान कैसे हो सकता है। और ये जो वहाँ पे दिखाते हैं वो जो वो होता है बंदा जो कि एक्वेंटेंस होता है वो कहते हैं कि तुम स्टीवर्ट नहीं हो। रिया कहती है हाँ मैं बिल्कुल नहीं हूँ, पर हाँ तुम स्टीवर्ट को बहुत अच्छे से जानते हो और तुम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो। और यहाँ पे देखते हैं जो स्टीवर्ड होता है वो भी आने लगता है, तो वो कहता है कि वो कौन है वो जो नीचे उतरते हुए आ रहा है। विंसेंट वहाँ पे आता है और कहता है क्विंटन जाओ बहुत समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ। उनको देखने के बाद तो भाई सभी लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं और दिखाते हैं वो सभी लोग कहते हैं विंसेंट तुम यहाँ पे अभी तक जिंदा हो और पता नहीं यही यार क्या हुआ। और जो नैन्सी जाओ होती है वो यहाँ पे भग के आती है और यहाँ पे विंसेंट को गले लगा लेती है और कहती है मैं जानती थी कि तुम बिल्कुल ठीक होगे विंसेंट। और हमेशा की तरह विंसेंट उसे खुद से दूर कर देता है। और अचानक से दिखाते हैं एक टॉफी उड़ती हुई आती है और उसको पीछे से हिट होती है और वो कहती है कि कौन है जिसने मुझे कैंडी फेंकने मारी, क्योंकि पीछे ऐना होती है जो कि उसे हिट कर रही होती है। ऐना जो होती है वहाँ से जो ग्लोल होती है या कुछ होता है उससे हथियार से वो ऐसे करके कैंडी फेंक रही होती है उस पर लगा के और कहती है कि मेरी डैडी है और मामा आया कोई अदर गर्ल उन्हें वो छू भी नहीं सकते। यहाँ पे सब लोग उस तरफ देखते हैं और कहते हैं तो प्रेसिडेंट जी की डॉटर है ना वही है ना, और जरा देखो वो स्लिंग शॉट से खेल रही है और वहाँ पे जो उसको वो मिस जाओ को निशाना बना रही है और कहती है डेविल और खतरनाक लग रही है। उसे चलाते हुए कहती है कि तुम लिटिल वो ऐसा करके वो कहने लगती है। और यहाँ पे जो विंसेंट होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है। अब पता नहीं है मेरे साथ है या पता नहीं और किसके साथ है, बट किसी और को यहाँ पे लगता है कि जो नैन्सी ज़ाओ है वो भी थोड़ी क्यूट है और ज़्यादा कुछ इतनी गुस्से वाली नहीं है। बट वो यहाँ पे विंसेंट को पाना चाहती है और उसके बीच में इतनी सारी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से वो गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए वजह से वो ये सब बोल देती है। मुझे तो ये लगता है बाकी का जो नैन्सी ज़ाओ वो यहाँ पे विंसेंट को दिल से प्यार करती है, पर विंसेंट यहाँ पे समझ नहीं रहा है। अपनी राय भी कमेंट कर देना अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, इसके लिए थैंक यू। विंसेंट कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर से ऐसा बोलने की, और वो कहता है विंसेंट मतलब जो नैन्सी ज़ाओ होती है उसे सॉरी बोलती है और फिर जो विंसेंट होता है उसे नीचे गिरा देता है। विंसेंट कहता है मुझे पता है क्विंटन तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो कि मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ। क्विंटन कहता है विंसेंट तुम यहाँ पे ठीक हो मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, हमें तो लगा था कि तुम उसी जो क्रैश है उसमें मारे गए हो और उसी हादसे में मारे गए, जबकि उसकी जो वाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टर होती है। वो कहती है हाँ क्विंटन ने सही कहा ये तो बहुत बुरी बात थी, हमें लगा कि तुम मर चुके हो उसी एयर क्रैश में बट तुम जिंदा हो। ऐना कहती है अच्छा ऐसी बात है, कोई सैड पर्सन जो है पार्टी में आ जाएगा दूसरे दिन और तीसरे दिन यहाँ पे पार्टी में चला आएगा और यहाँ पे पार्टी को एंजॉय कर रहा होगा और वो भी ऐसे सज धज के, और तुम्हें यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे आजकल ये लोग पागल है और तुम्हारी बातों में आ जाएंगे तुम्हारी एक्टिंग से वो बेवकूफ़ बन जाएंगे। नैन्सी ज़ाओ कहती है फ्रिया बहन तुम्हारी डॉटर बहुत ज़्यादा बोल रही है। पर यहाँ पे जो ऐना होती है वो यहाँ पे उसके माथे पे ऐसे करके शूट करती है, वो कहती है कि मेरी मॉम से यहाँ पे बकवास मत करो और उनसे ऐसे चला के ऊंची आवाज़ में बात करो वरना मैं दोबारा से ऐसे स्ट्रिंग शॉट से मारूंगी। ऐना कह वो फिर ऐना से कहती है ना बस बहुत हुआ वैसा बंद करो ये सब। फिर जो ऐना होती है वो गिनने लगती है डैडी नैन्सी। नैन्सी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा किया है, यहाँ पे एक तो उसने यहाँ पे किडनैप कर लिया, मम्मा को यहाँ पे परेशान किया और फेक रिपोर्ट्स बनाई, उसने कार एक्सीडेंट करवाया, उसने डीएनए रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ की जिससे हमारा पता ना चले कि वो जो मतलब डैडी है वो मेरे फादर है। सब लोग हैरान होते हैं वो क्या ईवल पर्सन है, हमने तो नैन्सी साहब को अच्छा समझा था पर ये तो एक ईवल पर्सन निकली, इसने इतना सब कुछ किया है। और नैन्सी साहब का पारा और भी ज़्यादा चढ़ जाता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है, चिल्लाते हुए कहती है कि यू लिटिल, बट विंसेंट को देखते वहाँ पे शांत हो जाती है। उसके साथ दिखाते उसके डैड कहते हैं मिस वैन मेरी जो डॉटर है उसने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया हो, उसने जो भी आपके लिए किया मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ और जो भी आपके साथ किया गलत किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और उसकी गलती की हुई गलती के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो फिलहाल अपने एपिसोड कहीं पर खत्म करते हैं, आइए आपको वीडियो पसंद आई पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना मोटिवेशन के लिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, साइन आउट, पीस, गुड बाय।